बहुत ही मान ते सत्कार दे योग गुरु रूप सात संगत सब तो पहला फतेह अर्ज करदा। फतेह का जवाब गज वज के आना चाहिए है। ये फतेह उस गुरु ने बख्शिश की है जिस गुरु ने जुर्म के खिलाफ संबंध सवारिया। सो उस गुरु वालों बख्शिश की हुई फतेह उसकी आवाज दिल्ली की अन्नी ते बोली सरकार दे कन्नों दे विच इस तरह गुंजनी चाहिए है कि उनु रात दिन चैन ना बुलाओ गज वज के वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी सात संगत आप जी ने जो सुखमनी साहब के पाठ चौपाई साहब के पाठ नवे पातशाह के श्लोक आनंद साहब दिया पौड़िया के पातशाह साहबाने पाठ श्रवण किए हैं बहुत धनता के योग अरदास हुई है। अपरंत सरदार बलवंत सिंह जो कि मेरे बहुत प्यारे वो मैनू बापू जी करके कहते थे मेरे पुत्रां तो वद मैनू प्यारे हैं उन्होंने वालों हुक्म होया तुहाडे नाल विचार सांझे करन दा। तुसी वेख रहे हो कि हर रोज इन्हां वालों इत्थे स्टेज ते साथियां समेत बाणी पढ़ी जांदी है शाम नूं रह रस दे पाठ हुंदे आ। मेरे मन च कुण विचार आ रहा सी कि मैं इन्हां नाल होरनां नाल सजणां नाल सलाह करके ते ओह फिर अपना फुरना दसांगा पर आपां गल करनी है कि जो कल असी एक सद्भावना रैली कढ़ी क्योंकि परसों 27 तरीक नूं इत्थे कुछ नौजवान मेरे को आए ते उन्हां दे मन दे विच बहुत ज्यादा अफसोस सी उन्हां दे मन च रोस सी उन्हां दे मन विच बहुत ही आवाज सन कि कुछ ट्रालियां ट्रैक्टर वापस जा रहे ने ते उन्हां नूं रोकिया जावे और उन्हां नूं इत्थों अंदर नहीं सी होण दित्ता जा रहा ते उह बहुत गुस्से विच सन। गुस्सा उन्हां दा ठीक सी जदों दास इत्थे सवेरे सवेरे पहुंचा ते उन्हां नाल गल कीती ते उसे टाइम ते असी एक जीप लैके ते पिछे गए और जदों ट्रालिया तक पहुंचे जड़ियां वापस आ रही सी उन्हां नूं जदों बेनती कीती ते उह सारे वापस आ गए। करीब 350 दे करीब परसों ट्रालिया जा रही फिर वापस आ और आम एक चर्चा हो रही सी मीडिया जड़ा गोदी मीडिया है वह बड़ी चर्चा कर रहा सी कि ट्रैक्टर ट्रालियां वापस जा रहे हैं पर विचारन वाली गल यह सी कि वह ट्रैक्टर वह ट्रालियां वापस आ रही सन जड़ियां केवल 26 जनवरी में परेड शामिल होने लिए आ रही सी लेकिन बहुत गलत प्रचार किया गया होर भी कई तरह दफवाह बहुत सारिया फैलाईया गई और जदों परसों दास पूरा चक्कर पिछे तक ला के इत्थे पहुंचा तो तुसी वेख्या होगा कि किड्डी गिनती में संगत पंडाल में आई तो उन्होंने हौसले बुलंद हुए
और कल फिर असी क्योंकि नौजवानों अपील सी कि तुसी एक बार सारे राउंड लाओ कि सारे आगुओं वालों एक राउंड जो कि पिछे तक लाया गया और उहदे नाल लोगों के हौसले दोबारा फिर 24 कलाक ते बुलंद हुए। और एक खबर जड़ी रात चल रही सी वो खबर गाजीपुर बॉर्डर तो पर उत्थे टकैत साहब ने जिस तरह उत्थे दृढ़ता नाल हौसले नाल जोश दे नाल और लोकां दी किसानी विरोधी मंगां नूं रद्द कराउण लई दृढ़ इरादे नाल उत्थे जो सबूत दित्ता मैं उहनूं सिर चुकाउणा है। और उहदी खुशी विच बेनती करांगा कि जिस तरह दा उहने रात उत्थे रोल अदा कीता ते चलदी कला चा ते ट्रालियां ट्रालियां उत्थे आ गईआं ने ते इक जकारा छड़ना चाहीदा। इसे तरह पंजाब तो हरियाणा तो ट्रालियां चल पई ने और रात रस्ते जड़े सी और रोके गए जाम किए गए ने। हरियाणा पुलिस ने बहुत हाथ जोड़ के निम्रता नाल साडे हरियाणा वाले भरावां नूं कलम कलिया और बेनती करांगा मैं इत्थे 2 मिंट हिंदी विच बोलना चाहुंदा कि साडे हरियाणा वाले भरावां ने जो सानूं माण बख्शिया ते उहनां दा माण किस तरह करना। जो परसों 26 तरीक को केंद्र की सरकार की तरफ से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया वो सारी की सारी केंद्र सरकार के पापों का भांडा चौराहे में फूट चुका है। सो ज्यादा समय नहीं लेना मैं ही बेनती कर रही है क्योंकि बलवंत सिंह जी तुहानू वीडियो दिखाओगे एक वीडियो जड़ी हरियाणा पुलिस ने जवानों वालों और की किया गया किसानों नाल किड्डी वड्डी हमदर्दी और के कुरला गया कि साडे कोल सरकार ने किसानों ते गलत लाठी चार्ज कराया। असी नहीं करना असी किसानों ते लाठी चार्ज नहीं करना सानू नौकरियां नहीं चाहिदियां एक किड्डी वड्डी गल। सो उहनां दी खुशी विच वी जकारा एक गज के जकारा बना। साडे घरां विच फिर बोलांगा वो बढ़िया एक वीडियो जड़ी आ पुलिस वाले वीर ने जड़ी वो फायर की जो ने वर्लाप किया जो ने मन च तोखिया जड़ी तुहाडे नाल हमदर्दी आ उहदा मीडिया दे राही मैं बलवंत सिंह नूं कहांगा कि वो सारी इत्थों वो सुनाई जावे ताकि आवाज ते उहदी फोटो लोकां तक आवाज जा सके कि पुलिस जड़ी आ वो साडे नाल किस तरह खलोती आ। घबराउण दी गल नहीं बलवंत सिंह जी सुना वीडियो हमें तो नहीं चाहिए नौकरी आई बहुत कर दिया नौकरी अब हम लोग सरकार से धरना मांगते सॉरी है मैं आपको बिंदी करते हैं कि हमें नौकरी नहीं चाहिए क्यों सरकार से नौकरी क्या कि सर हम सब नहीं चाहिए नौकरी क्या चाहिए नौकरी अब हम लोग नहीं चाहिए नौकरी क्या चाहिए एक बार का कोर्स नहीं मारा मेरा जब चाहिए क्या 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 क्
34 सेकंड की वीडियो है जिहड़ी पत्रकार पूछ रहे ने और मैं सारे ग्रुपां विच ही पा देंगा क्योंकि नैटवर्क की बड़ी वड्डी प्रॉब्लम है जिथे वाईफाई ते जाके बैठेगा उत्थे मैं जोड़ के ते पा देवांगा। मैं सत्कारयोग सारे मीडिया नूं बेनती करांगा भी इहनूं वध तों वध जरूर शेयर किया जाए क्योंकि ये बहुत रो रहा पिछे बहुत फोर्स खड़ी हुई है। इन्हें कहा मेरी नौकरी नहीं चाहिए, इन्होंने सरकार ने जान बुझ के साडे किसान भरावां ते लाठीचार्ज करवाया। असीं नौकरी कदे नहीं करांगे, असीं किसे कीमत ते आपके भरावां ते लाठीचार्ज नहीं करांगे। हुण सरदार बलदेव सिंह जी सिरसा बोलण। सो तुसीं सुण लिया ये सारी आवाज मीडिया दे राही, क्यों भाई नौजवानों चैनल वाले हो इस पहुंच गई आवाज, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा। मेरे को शब्द नहीं जिन्हों के नाल बच्चे हो जेडे तुसीं चैनल चला रहे हो जिनी सेवा तुसीं रात दिन कर रहे हो। रात मेरी एक बेटी का फोन आया जो कि KTV चलाउंदी है, KTV चैनल, ते ओ बहुत दुखी मन दे विच सी, कहिंदी पापा मैं हुणे आउणा है। मैं कहा नहीं बेटा हुण नहीं आउणा, सवेरे आउणा। जो तुसी सेवा कर रहे हो ना, बहुत वड्डी सेवा कर रहे हो। मैं तुहानू एक होर खुशखबरी सुनाउणी चाहुणा, सरदार रविंदर सिंह करनाल तों जिहड़े कि लंगर चला रहे सी उहनां दा लंगर बंद कीता गया पर ओ लंगर फिर चालू हो गया। ओ अपनी जबान नूं दस्सण वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे गुरु रूप साध संगत जीओ, असी इस मोर्चे दे विच एकत्र होए आ, इहदे विच सतगुरु महाराज का असीम कृपा है साडे ते। इह कृपा सानू इस तरह दिसदी आ कि जदों करनाल टोल ते लंगर बंद कीता होया सी, इतों संगतं वापस जिहड़ियां 26 जनवरी तो वापस परेड करके वापस जा रही सन। मैं 26 जनवरी तो परेड तो इस करके कह रहा कि बार बार ये गल दोहराई जा रही है कि ट्रैक्टर ट्रालियां वापस जान रही है। आ जिहड़ा मोर्चा साडा जिहड़ा साडा लगा है जथेबंदियां दे नाल, इह उदन दा वधिया है घटिया नहीं। तो इस करके ये मैं सारा नूं कहना चाहुंदा कि जिहड़ा यह मोर्चा साडा चढ़दी कला च जा रहा है, किसानी मोर्चे का जिहड़ा मोर्चा साडा फतेह होना है, फतेह होना एकता दे नाल। यह सारा किसानां दा जिहड़ा हिस्सा आ, यह सारे नाल जुड़ना आ। यह कोई हिंदू या सिख या मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं, हुण मुद्दा आ ते केवल केवल किसानी दा ते गैर किसानां दा, इस तों बाद कोई मुद्दा नहीं साडा। ते जिहड़े सानू यह कहिंदे आ कि अतवादी आ, जो असीं लॉकडाउन लंगर लाने आ उदों सानू यह सेवादारी का देंदे आ। पद्मा मेरे कोल हैगा, मैं वही कढ़ना, मैं दिखाना। मैं एक मिनट, मैं तुसीं करो, मैं कट के सरदार रविंदर सिंह जी अपनी गल आप करनगे, वह दस रहे सन। बेनती है कि आपो अपने घर फोन करो, चढ़दी कला दे साडी आवाज भी जा रही है। और परसों जदों दास ने कले ने राउंड लाया, उस तो बाद तुसीं किस तरह वेख्या, तो जिहड़ा कल दा राउंड लगा जो सतभावना एक मार्च रैली की गई, तो किस तरह जोश आ मेरिया भैन आ जड़िया माता भाग कौर दार इतने बैठिया ने। मैं सी चुका इन्होंने चलना में, और इस टाइम से वो हालात बढ़ चुके हैं कि सरकार ने हर हथकंडा बना लिया, हर हथकंडा। लास्ट उन्होंने को 26 जनवरी, 26 जनवरी भी उन्होंने अपनिया साजिशां रच के वेख लिया, पर कामयाब वे भी नहीं हुए। सब दुनिया को पता लग गया
मैं नहीं वो गल कर रही जो होया जो किया क्योंकि सबके सामने स्पष्ट है प्रत्यक्ष प्रमाण की लोड़ की है। सरदार सरदार रविंदर सिंह जी की गल अधूरी है ये फिर पूरी कर। मैं मीडिया वाले वीर कहूंगा मैं आ दिखा लगा ये क्लोजअप मारो ये आखो भी ये देख लो 29-3 का इन्होंने सानू पास दिता सी लॉकडाउन के लंगर बरताने वास्ते उदो तो असं सेवादार सज अतवादी हो गए वाह जी वाह यह दोहरी नीति है आ वेख लो इतनी खास करके जे कोई भुलेखे रहा हो सतगुरु महाराज ने कृपा की मैं जब रात इतों घर पहुंचा तो कोई कागज लगता सर यह अपने आप डिगया आ मतलब गुरु नानक ने आप हाथ दे के कि सामभ्या नहीं सी होया मैं अब खाना से नहीं सामभ्या कि रबो किधरे पिया होया मिले आ मतलब धन गुरु नानक की वडियाई आ सतगुरु महाराज ने कृपा की जो चिट्ठे आ सारे सामने नजर आने हैं। जी कहते ना फंडिंग कितों आती है महाराज कहते नत्त हत्त खसम नक नत्त खसम हत्त किरत धक्के दे जहां दाने तहां खाने नानक सच हो सतगुरु महाराज की कृपा का सदका होंगे कोई फंडिंग जी है गुरु नानक अपने आप भेजन डे सतगुरु महाराज की कृपा का सदका लंगर चलते हैं कोई फंडिंग नहीं अच्छे लॉकडाउन के सेवा दी तो हम सा फंड कितों आते हैं तो सतगुरु महाराज की कृपा का सदका एक गल हो रहा मैं कहना चाहना है जी असं मन की आवाज करने मन की आवाज कोई कह रहे हैं मन की आवाज मेरी मन की आवाज आ मन की आवाज होती है जी मन च हो जरा अंदर जो साक्षी बैठा वो आवाज सुनी वह मन की आवाज होंगी है सर भी ये देखे मैं कहना ना बहना मैं नहीं देखे यह बुद्धि की आवाज यह चलाकी की यह मोह की मन की आवाज होगी सो रहा झूठ बोलना तेरे को 10 रुपये मन की आवाज तो मैं कहना जो मन की आवाज कहें जी शपथ लेनी है लेंगे ने अपनी जाके शपथ अपनी पढ़न शीशे के मोहरे खड़ के अपनी निगाह निगाह मिला के जी अंदर मन की आवाज आने इष्ट रब न मन के आमने सामने होकर गल कह भी आ गल आ मन की आवाज पर कहनी नहीं। मैं एक स्टेज के माध्यम से एक होर भी बेनती करना चाहवागा कि असी मोदी बल दे रहे हैं इतने बह के ओरी निंदा करके महाराज कहते निंदा भली किसी की नहीं मनमुख मुगत करन मूह काले ती निंदगा मिलके नरगे कोर पवन। मैं बेनती करूंगा असं निंदा नाल नहीं जितना असं जितांगे तो अपने हक नाल सच्चाई नाल महाराज कहते अरदास की होंगी है अरदास कहते हैं सत संतोख होवे अरदास तां सुन सत बहाले पास जो साढ़े को सत भी होएगा तो संतोख भी होएगा दुनिया की कोई ताकत सानू नहीं हिला सकती। किसान मोर्चा किसान मोर्चा इन्हे नाल मैं भुला गया शिवा जी वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद सरदार रविंदर सिंह जी का करमजीत करमजीत गुरु प्यारी सात संगत बेनती करा यह सानू भरोसा करने की लोड़ है हुण कि यह संघर्ष कोई जथेबंदियां चला रही ने कि इहनू असीं चला रहे नहीं यह अकाल पुरख की कृपा नाल सब कुछ आप करवा रहा साडा तो एक बहाना है इस तो बाद कुछ नहीं और असी अज तो बाद और सवेर दे मेरे फोन कई हो गए ने असी लंगर किसी भी किस्म की कोई
जड़ी चीज की घाट है। वैसे तो गुरु की कृपा न कितने घाट ने। कल जो असी सत भाग ने मार्च किया तो सब तो लास्ट दास उत्ते पहुंचा रौनी है रौनी पिंड जरग का मेला लगता जिते उतों का लंगर लगा सब तो पिछे उन्हें को जो पहुंचे जिड़ी विद्या उन्हें दसी मन गदगद हो गया और जोड़ा उन्होंने हौसला जिस तरह उन्होंने मन के लंगर च रस्ता लिया लंगर अपने आप उन्होंने आके लाया तो कल उन्होंने उत्थे जड़ी ट्राली छोटी होंगी है जीप के मगर वो भर के खिलारी कहते जी सानू दसो कि अगे कि लंगर के बच्च किस चीज की जरूरत है वही पहुंचाई। सो कई तरह दिया अफवाह उठ रही सारे लंगर चल रहे हैं सारे संत महापुरुष कार सेवा वाले पिंड वालों जो लंगर लगे है राव के कला तो गुरप्रीत नायक ही ना गुरप्रीत है गुरप्रीत नायक सिंह का राव के कला तो लंगर चल रहा पिछे परसों सवेर तो लैके मेरे नाल इस तरह बहुत सारे होर भी लड़के पर जिन्ना जज्बा इन्हें नौजवानों के बीच मैं हैरान सो सारे नूं इक्को एक मन दे विच इह गल सी उन्हां दे मनां च कि असीं इत्थों इह संघर्ष जित के जाणा है ते हौसला नहीं छड्डणा। हुण दी खबर हुणे आ गई है हबौर तों मेरी एक बच्ची का फोन आया क्योंकि आम तौर पर फोन जड़े ने वो मेरे सुनते रहते हैं यूट्यूब पर भी पाए ने लंबे समय तो चाहे वो श्रोमणी कमेटी ना मसले ही जा होर सी जा किसी डेरेदार ना सी तो वो यूट्यूब के उत्ते फेसबुक के उत्ते मेरा नंबर है बहुत फोन आ रहे। एक मेरी धी पटियाले तो वो मैं दस रही है अंकल जी मैं अपने दोवें बच्चों को लेके ते घर घर जानी स्लोगन लिखे घर घर जा रही है। हबौर तो लड़की का फोन आया पिंड स्पीकर से आवाजा दिखा जा रही कि जेड़े किसान अज दिल्ली ना पहुंचे सारे दे सहमति प्रोग्राम ना किते ते उन्होंने समाजिक बाइकाट किया जाऊगा। यह आवाज उठ रही पिंड और ट्रालिया गलिया हमने फोन आया सी जलंधर तो कौ भी अभी नाम लगी जाते हैं सुखविंदर सिंह लाली लाली परिवार बहुत वाला और पहला उसकी पहचान सी उन्होंने एक एनजीओ बनाई सी जट्टा के नाम देते मेरे पूरा नाम ही भुल गया मैनू। सो उहदे वल्लों फोन आया वह कह लगे दसो किस चीज़ की जरूरत है। मैं कहा सब तो पहले पानी का ट्रक आ रहा उन्होंने पूछा दसो जड़ी जड़ी रस्ती जरूरत है वह सानू लिस्ट बना के साढ़े वट्सअप से करो जिस लंगर से जरूरत है जिस साइड से जरूरत है वह आए। सो लंगर का प्रबंध अगे ना वो चलेगा लंगर चाहे जरूर साहब वाले ने बाबा हरदास सिंह जी वालों चलाए जा रहे हैं जा कार सेवा बाबा अमरीक सिंह जी पटियाले वाले जा किला आनंदगढ़ वाले जेडे कि अच बाबा सुचा सिंह जी चला रहे हैं इतने साढ़े को बाबा सतनाम सिंह ने
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੋਸ਼ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਆ ਮਾਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀਏ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਰ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਤੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸੀਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਸਭ ਖਿਲਰ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰੰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭੀ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਈਓ ਕਾ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਇਤਨਾ ਮਾਨ ਲਿਆ ਕਿ ਹਮ ਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ ਹਮ ਸ਼ਬਦੋਂ ਸੇ ਉਹ ਲੋਕੋ ਕਾ ਹਮ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਮਾਨ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਆ ਉਸਕੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਾ ਲਈਏ ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਸਮ ਸੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹਾ ਥਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਭੀ ਗੁਰਦੁਆਰੋਂ ਮੇ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਆਰਮੀ ਹੈ ਆਰਮੀ ਹਮਾਰੀ ਜਬ ਬਾਰਡਰੋਂ ਪੇ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਵਕਤ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਕੇ ਸਾਥ ਹਮਾਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੋ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਝੂਲਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇ ਲੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਕੇ ਸਾਥ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਰਾਬਰ ਝੂਕਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਲਾਣਾ ਇਹ ਕਿਧਰ ਕੀ ਦਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਪਰ ਜਲਾਣਾ ਕਿਉਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਔਰ ਹਿੰਦੂਓ ਮੇ ਆਪਸ ਮੇ ਦੰਗੇ ਫੈਲੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਭਾਈਓ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਸੰਧ ਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਫੋਨ ਆਏ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭ ਕੇ ਨਾਮ ਬਤਾ ਸਕਤਾ
लेकिन समय लगेगा। उन्होंने वहां पर पंचायत करी और जिन्होंने गलती की थी उन्होंने अपनी गलती मान ली। मैं सिर्फ मेरा कहने का मतलब एक ही है कि इस सरकार ने बहुत हथकंडे बनाए। इनके पास आखिरी ज्ञात था जो उन्होंने वर्त लिया। अब मैं सभी हरियाणा भाइयों से राजस्थान यूपी का नाम आते ही श्री टिकैत जी का नाम मेरे सामने आ रहा है। जैसे उसने रात स्टेज पर खिलाकर शेयर किया है द्रोण मोड़ी जो उसने गर्जा, उसने जो सरकार की दतिया उड़ा दी और उसने थंप हला दिया सरकार के, उस शेर को मैं सलूट करता हूं जिसने दोबारा मोर्चा वहां पर फिर चला दिया। सो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सभी देशवासियों, यह बीजेपी पार्टी सरकार और आरएसएस जिनका एक ही एजेंडा कुछ और है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये बात हो राम के भक्त हैं ना ही ये अकाल पुरख शक्ति को मानने वाले, इनका कोई मकसद और है। हमने वो नहीं, इनके पीछे नहीं जाना। मेरी और भी एक सलाह है, मेरे को बहुत सारे फोन आए, जो हुआ हो गया उसका जिक्र नहीं करना चाहिए। अब हमें यह देखना है कि इस संघर्ष को कैसे जीतना है। बात जीतने की होनी चाहिए, किसी भी तरह की जो मीडिया पे चैनलों पे या जो गोदी मीडिया वो भय फैलाता है उन अफवाह के पीछे नहीं लगना, बिल्कुल वापस यकीन नहीं करना। हम चर्दी खिलौने हैं, चर्दी खिलौने रहेंगे। और मैं आज इस स्टेज से अलग करता हूं, पहले भी कह दिया था और आज से रात को भी इस स्टेज पे ही रहूंगा। मैं इस स्टेज से केवल उतने समय जाऊंगा, कोई मीटिंग चलती होगी उस मीटिंग में शामिल होने के लिए या पीछे किसानों को मिलने के लिए, कार से वाले नगरों को मिलने के लिए, जो मेडिकल कैंप लगे हैं किसी किस्म की उनको कोई दिक्कत है उनको मिलने के लिए मैं जाऊंगा, वरना यहां ही रहूंगा। मैं बलवंत सिंह से सलाह करके कुछ और भी विचार करना चाहता हूं कि शाम को जब रैरास का पाठ होता है उस वक्त, क्योंकि सारा दिन से पंडाल चलता है उस वक्त हमारी गिनती कुछ कम होती है, बहुत थोड़ी होती है, उस गिनती को बढ़ाना है वो कैसे बढ़ाना है, और जो सुबह वाला जो पाठ शुरू होता है उस वक्त हमने जो पीछे संगत बैठी है उनके लिए मैं इससे विचार करूंगा कि हम विचार करके पीछे से जो चलकर जो हमारे बुजुर्ग नहीं आ सकते उनको लाने के लिए कोई सवारियों का प्रबंध करेंगे। मैं इसे राय कर, क्योंकि हम चाहते हैं कि सुबह और शाम का जो पाठ है वो होना चाहिए। मेरे भाई आए, आपने बताओ रणजीत सिंह बाजार जिला कौन सा पानी पानी पानी
नहीं टूटी पांच बजा आ देखो आ मेरा भाई रणवीर सिंह जी जो कि जिला पानीपत का है और गांव नारा नारा गांव जिला सोनीपत हरियाणे का रहने वाला ये मेरे सामने है। मैं कहूंगा कैमरे वालों को ऊपर आ जाओ स्टेज पर तो अच्छा रहेगा, ऊपर आओ थोड़ा सा, उधर से इधर से आओ। ये देखिए भाई देशवासियों, ये जो टीवी चैनल है ये पूरे संसार में हमारी आवाज पहुंचा रहे हैं और किस तरह की खुशखबरी आपके पास आ रही है। ये जो लंगरों की लिस्ट आई है, लंगर वाले जो बाबा अमरीक सिंह जी का सेवा, बाबा हरियाणा सिंह कुमला वाले, बाबा नंद सिंह जी नामचर वाले, बाबा लखा सिंह जी, बाबा बूटा सिंह जी नामचर, बाबा जगतार सिंह जी तरन तारण, बाबा हजूर साहब वाले लंगर, बाबा नंदान सिंह किला नंदगढ़ वाले, बाबा भगत सिंह जी कारसाले, दिल्ली से कोरा प्रबंधक कमेटी, ये तो बहुत थोड़ी गिनती में दसी है, बहुत सारे लंगर ठीक है ये तुसी दस दियो जे। सो मैं केवल रणवीर सिंह जी किसान वीरां नूं किसान बीबियां नूं नौजवानां नूं कि पंडाल दे विच सजण दी कृपालता करन तां जो आपां स्टेज दी कारवाई है जिहड़ी बकायदा तौर ते जो बुलारे साहिबान स्टेज ते पहुंचदे उहनां नूं टाइम दे के चला सकीए, क्योंकि पिछले 26 जनवरी तों अपने बहुत अफवाह फैलियां ते मोर्चे नूं ढाल लाउण वास्ते सरकार ने बहुत साजिशां रचियां जिहड़ियां कि सरकार नूं शोभा नहीं दिंदियां, जिहड़ियां गल्लां जिहड़ियां इत्थे कीतियां गईआं, पर उपर वाले दी परमात्मा दी कृपा दे नाल इह मोर्चा जिस तरह पहला चल रिहा सी परमात्मा की कृपा के नाल मोर्चा पहला नालों भी चंगे ढंग नाल अते जबरदस्त कठ दे नाल चलदा रहूगा, क्योंकि पिछले दो दिनों तो इन्नियां अफवाहां फैलाईआं गईआं, रेडियो सुन लो गाजीपुर बार्डर का यह हाल दस्सिया गया कि कुछ मिनटां दे विच बार्डर वेला हो जाऊगा, पर मैनू बड़ी हैरानगिरी है कि उस बार्डर के उत्ते जो मेरे किसान भी डटे आ तो डटे ही बैठे, उन्होंने इतों तक कह दे लारे उन्होंने अपील करांगा कि उस स्टेज ते पहुंचण सरदार गुरनाम सिंह जी धनिए वाले जो सिद्धूपुर किसान यूनियन तो है जिला फरीदकोट तो उस स्टेज ते आउण ते अपने विचार है जिहड़े किसान वीरां नाल सांझे करन। उन्हां तों बाद बीबी कमलजीत कौर जी जो साइकिल ते दिल्ली पहुंचे है उन्हां दा धन्नवाद भी कीता जांदा ते उन्हां नूं भी बेनती कीती जांदी है कि स्टेज ते आउण ते गुरनाम सिंह जी तों बाद अपने विचार दो मिनटां लई किसान वीरां नाल सांझे करन। हुण सब तों पहलां सरदार गुरनाम सिंह जी जो जिला फरीदकोट तों आ उह अपने विचार सांझे करन। सत्कारयोग मेरी बेटियां, मेरी भैणां, मेरी मावां, मेरे वीर, मेरे बाप, साडी संयुक्त मोर्चा किसान बड़े लंबे समय तो किसानी का घोल जो लड़ रही है पिंडां दे विच लोकां नूं लामबंद करके
गवर्नमेंट दिया मारो नीतियां बाबत समझाया जा चुका ते उस तो बाद जो ये तीन ऑर्डिनेंस लेके आए हैं साड़ी खेती नू हाथ पाया ओदी बाबत दिल्ली कूच किता 26 तरीक तो आज तक ये मोर्चा थान पर था पूरी तरह डटिया होया है और लोग वध तो वध इस गिनती में हिस्सा ले रहे हैं लोग जड़े है गए अपनी किसानी नू बचाउण दा जो जतन कर रहे हैं ये जो तीन मारू निकाउण कानून लेंदे गए हैं ये देश नू कारपोरेट घराणियां विच वेच के मंगते बनाउण दी तुली हुई है सरकार उस नू जबरदस्त जवाब दिता है जो 26 जनवरी नू साडा प्रोग्राम सीगा ओ बिल्कुल सरकार नू स्पष्ट सी साडे नेता बार-बार स्पष्ट कर चुके सी किसानां ने अपना शांतमई अंदोलन शांतमई मार्च सारियां सड़कां तों मिथे होए तां रूट ते जाणा सी पर सरकार ने अपने बाद नू खुद हाथ पा के इस नू सरकार नंगी हो गई ये सारियां जो चालां चलियां ने एक भी चाल नहीं चली इन्हां ने होण दित्ती गई किसानां वल्लों पूरी मुस्तैदी नाल पहरा दित्ता जा रहा असी सरदार जन सेक्री साहब यकीन दवाने असि पिंड फिर जावे जो नारे वापस आ रहे हैं जो 26 जनवरी ने बुलाए थे कि उस दिन सामने अस कह बैठे भी वापस आवे परेड करके हुण पूरी तरह फिर लंब आंदा गवर्नमेंट जिन्ना मर्जी हथ कंडा अपना ले मैं किरती किसान जथेबंदी का एक नारा जरूर उन्हों का बुलंद सीगा हाणे दियो हाणियो ਸਾਡੀ ਦੇ ਸਾਥੀਓ ਕਰ ਲਓ ਦਾਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜ ਛੱਡੋ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀ ਦੇ ਅੰਦਾਰ ਅੱਜ ਵੇਲਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ किसान मजदूर एकता हरियाणा पंजाब भाईचारा किसान भी डॉक्टर बीबी कमलजीत कौर जो साइकिल से दिल्ली मोर्चे के बीच पहुंचे हैं उन्होंने धन्यवाद भी किया जाता है उस बीबी ने इन्नी हिम्मत की है जो साडियां बेटियां इन्नी हिम्मत के नाल इस मोर्चे पहुंच रही है तो कोई भी ताकत है जी इस मोर्चे को फेल नहीं कर सकती क्योंकि जो लोगों के इन्ना जज्बा भर जाए तो मोर्चे जीते ही जाने सिर्फ परमात्मा की कृपा ही चाहिए है सो आप मोर्चा जीतेंगे बीबी कमलजीत कौर वो मैक के नेड़े आ जा उन्हां तो बाद सत्कारयोग बाबा रेशम सिंह जी खुखराने वाले जो मोगे तो डंगर की सेवा भी इतने निरंतर चल रही है उन्होंने और सत्कारयोग बाबा रेशम सिंह जी को बेनती करांगा कि वह स्टेज के नेड़े आ जाण ते बीबी जी कमलजीत कौर मैक ते आउण वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह मैं कमलजीत कौर सुजानपुर लोधी मैं अपनी टीम के नाल इतने साइकिलों पर आई हाँ मेरे नाल सुखदीप सिंह जी साया कलो चो असी 25 तरीक न चले सी 26 रात को असी टीकरी बॉर्डर पर पहुँच गए थे 9 बजे असी 26 तरीक न 9 बजे टीकरी बॉर्डर पर पहुँच गए थे साडा टारगेट सीगा वैसे किले के लागे जाने का पर कुछ रस्ते में सानू दिक्कत आ गई कि साडे साइकिल वगैरह पेंचर हो गए जिदा करके असी थोड़ा लेट पहुँचे और 27 तरीक को असी उत्थे ही रहे और कल साडा प्रोग्राम सीगा वापस जाने का असी बहादुरगढ़ तो 20 किलोमीटर तो पिछे चल के फिर वापस असी इधर नूं आए हाँ और असी उस रस्ते में भी आए हाँ जिते कोई भी सानू साडा सरदार भाई नहीं मिले कोई किसान नहीं मिले दिल्ली के होकर असी घट्टो घट 35-40 किलोमीटर की वाट पर असी साइकिल पर आए हाँ जिते सानू डराया गया धमकाया गया कि तुम अपने झंडे ला दो अपनी दस्तारा ला दो तो गाड़ी पुलिस कुटेगी पर साडा एक ही टीचा सी कि असी ना दस्त
ਸਤਕਾਰ ਲਾਣੀ ਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਲਾਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋ ਟੱਚ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਜ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਆਜ ਤੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਚੱਲੇ ਆ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਗੰਜਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ